शहीद सैनिकों के परिजनों को सीएम धामी ने किया सम्मानित। कहा, हमें अपने वीर सैनिकों की शहादत पर गर्व, परिवारों की सहायता के लिए हमेशा साथ खड़ी है सरकार। सीएम धामी ने औद्योगिक विकास योजना 2017 के लाभार्थियों को दी बड़ी राहत, प्रधानमंत्री के मिशन के चलते 35 करोड़ की बांटी सब्सिडी। राजनाथ सिंह ने वर्चुअल झंडे दिखाकर जवानों को किया रवाना, चीन सीमा पर फहराएंगे तिरंगा। 9वीं स्वतंत्र पर्वतीय ब्रिगेड की 22 ग्रेडर यूनिट को दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड में पर्यटकों से जुड़ी बड़ी खबर, वीकेंड पर अधिकतम 15,000 पर्यटक जा सकेंगे मसूरी, बाकी शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी। उत्तराखंड में थल मुंसियारी सड़क पर कार के ऊपर गिरा मलबा, बद्रीनाथ हाईवे में 1 घंटे तक फंसी रोडवेज की बस। उत्तराखंड में विद्रोही कोरोना से राहत, 24 घंटे में मिले 27 नए संक्रमित मामले, एक की हुई मौत, 6 जिलों में नहीं मिला नया मरीज। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। और खबर लक्सर से, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सेविका मिनी कर्मचारी संगठन की लक्सर ब्लॉक इकाई ने बैठक की। उन्होंने कार्यकर्तियों, सहायकों और मिनह कार्यकर्तियों के मानदेय को चिड़िया का चुग्गा बताते हुए इसमें बढ़ोतरी की मांग की है। बैठक के बाद उन्होंने अपनी 5 मांगों का मांग पत्र प्रदेश सरकार को भेजा है। संगठन की बैठक में लक्सर ब्लॉक अध्यक्ष सरोज बाला ने कहा कि संगठन की प्रदेश व जिला इकाई द्वारा अपनी जायज मांगों को लेकर कई बार शासन में प्रशासन से वार्ता की गई है, दोनों जगह से आश्वासन तो मिल रहे हैं पर कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने मांग की कि अतिथि शिक्षकों की तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मानदेय 7500 से बढ़ाकर 18,000 रुपए किया जाए। जिले भर की एएफ आशा फैसिलिटेटरों ने लक्सर में बैठक कर अपनी समस्याओं पर विचार किया। उन्होंने प्रतिदिन दिए जा रहे 300 रुपए के मानदेय को कम बताते हुए इसे बढ़ाकर 500 रुपए करने की मांग की है। बाद में उन्होंने सर्वसम्मति से अपना 4 सूत्रीय मांग पत्र तैयार कर मुख्यमंत्री को भेजा। लक्सर में आयोजित एएफ की बैठक में वक्ताओं ने कहा कि जुलाई में 10 साल पहले बकायदा लिखित परीक्षा के आधार पर 68 AF की तैनाती की गई थी, तभी से वो स्वास्थ्य विभाग में सेवा दे रही है। हर AF को अपने क्षेत्र में 30 से 35 आशाओं के काम का मूल्यांकन व निगरानी करनी पड़ती है। मेरी मांगे, हमने एक ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री को भी दिया और हमारे जो विधायक स्वास्थ्य मंत्री को भी दिया। हमारी मांगे है कि हम 30 दिन विजिट करते हैं और हमें 30 दिन का ही भुगतान दिया जाता है। हमारी जल्द से जल्द मांगे पूरी करें वरना हम काम नहीं करेंगे। जी अभी तो कुछ दिया नहीं मिला, खाली लेटर दिया गया। हमारी विजिट 20 दिन का पूरा 30 महीने का 3 दिन कार्यकर्ता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने केंद्र सरकार पर कांग्रेस नेताओं के ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर विपक्ष की आवाज को दबाकर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी व अन्य कांग्रेस के बड़े नेता पीड़ितों व महंगाई की आवाज उठाते हैं तो केंद्र की भाजपा सरकार उनकी आवाज दबाने में लग जाती है। कहा कि राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल ब्लॉक कराकर केंद्र सरकार ने अपनी गलत मानसिकता का सबूत दिया है। भाजपा सरकार केवल जनता को लूटने का काम कर रही है, देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेरोजगार युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं और विपक्ष अगर मुद्दों को उठाए तो उनके ट्विटर को ब्लॉक कर दिया जाता है। लोकतंत्र की आवाज को कुचलने पर सरकार की मानसिकता दर्शाती है, ऐसी सरकार के खिलाफ जनता जरूर जवाब देगी। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। हटाया जा रहा है तो सवाल उठना स्वाभाविक है, कोई अस्वाभाविक चीज नहीं है, लेकिन पार्टी कोई निर्णय करती है तो पार्टी के जो अनुशासित सिपाही हैं उनका दायित्व है कि वो पार्टी के निर्णयों को सिरोधार्य करें। लेकिन यह बात चुनाव में हरीश रावत भी कहते हैं कि बीजेपी ये नहीं बता पा रही है कि आखिर क्यों नेतृत्व बदला गया। वो ये भी कहते हैं सर आपने भ्रष्टाचार पे कंट्रोल किया तो कुछ लोग विचलित हो गए। नहीं, उनका कहना जो है वो उनकी दृष्टि से उचित हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने जो
प्रारंभ में अपनी बात कही थी और जो हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में बात कही थी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, मैंने उस पर अंतर से निर्णय लिए, दिमाग से नहीं दिल से भी निर्णय लिए, और केवल बोला नहीं उसको करने का प्रयास भी किया। सर चुनाव से एक साल पहले आपको हटाया जाना, उसके बाद आते हैं उनको हटाया गया, फिर एक नए सीएम आते हैं, दुविधा भी बनी रही। अब देखिए अच्छा होता अगर आप बने रहते, आपको नहीं लगता है कि दूसरे सीएम जो हटाए गए उसको सब उसको तो तकनीकी कारण है, वैधानिक कारण है, या कहना चाहिए कि वो एक अनिवार्यता हो गई थी क्योंकि चुनाव हो नहीं सकते हैं, तो ऐसे में 6 महीने से ज़्यादा कोई सीएम रह नहीं सकता है, उसके लिए निर्वाचित होना बहुत ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि वो निर्णय हमारे नेतृत्व ने लिया वो बिल्कुल तमाम जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं उनके अनुसार लिया गया है। सर चुनाव में जनता भी इस तरीके के सवाल पूछेगी, तीन बदलाव हुए इनकी ज़रूरत क्या थी, आपको लगता है ये असहज करने वाली स्थिति? नहीं नहीं, जनता पूछेगी तो जनता का जवाब देंगे, ये पार्टी की जिम्मेदारी है कि कोई सवाल अगर पूछती है, जनता पूछती है, आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं, आप जो भी पूछ रहे हैं, तो दायित्व है जिम्मेदार लोगों का कि उसका जवाब दें, और उसका जवाब दिया जाएगा। एक जिक्र जो हटाना गलत फैसला था, उसे कैसे देखते हैं? हर फैसला सही होता है, और पार्टी ने जो फैसला लिया मैंने पहले ही बताया कि वो सिरोधार्य है। समय क्या सही था सर? समय क्या सही था वो? अब ये तो कोई पंडित बता सकता है, कोई ज्योतिषी बता सकता है कि उस समय ठीक था या नहीं था। और कुछ बहुत हो गया, मतलब उसने रिकॉर्डिंग किया। वो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को आपने सुना, उन्होंने कहा कि कुछ काम के लिए दिल से निर्णय लिए जाते हैं, दिमाग से नहीं। और अब खबर मंगलौर से है, जहां पर कस्बे में जलभराव की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को 2 हफ्ते के अंदर समस्या का समाधान किए जाने की चेतावनी दी है। समाधान न किए जाने पर भारतीय किसान यूनियन द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर प्रदर्शन बैठने की धमकी दी। टोली में जल भराव की समस्या बहुत पुरानी है, और वहाँ पर एक नॉन रेडे का तालाब है, क्योंकि नई वाला तालाब बना था, उस क्षेत्र का पानी उसी में होता है, तो उसमें बड़ी संख्या में वहीं के निवासियों द्वारा भरान करके मकान वकान बना लिए गए, क्योंकि नॉन रेडे का है सीधे हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो वही महीने में SDM साहब भी आए थे। सिर्फ मेला टोली की नहीं है, मंगलौर के सभी तालाबों पर लोगों का कब्जा है, लोगों ने अपने घर बना रखे हैं, और हर घर बनाने वाला किसी न किसी नेता का रिश्तेदार है, जानने वाला है, वोटर है। इस चक्कर में उनको सोर्स लगाकर तालाब खुदाई को रोक दिया जाता है। तहसीलदार के आदेश होने के बाद भी पिछली बार तालाब खुदाई नहीं हो पाई है, और हम इसीलिए यहाँ पर आज ये ज्ञापन देने आए हैं यो साहब को। और अगर ऐसा नहीं होता है, ये 15 दिन के अंदर इसका अल्टीमेटम दिया गया है, और ऐसा नहीं होता है तो 15 दिन के बाद में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा, भूख हड़ताल की जाएगी। और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साइकिल ट्रैकिंग का निरीक्षण कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साइकिल ट्रैकिंग का निरीक्षण कर रहे हैं। चिराग शेख सराय साइकिल ट्रैक का निरीक्षण कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ये सीधी तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, साइकिल ट्रैकिंग का निरीक्षण कर रहे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। भाई
सीधी तस्वीर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चिराग शेख सराय साइकिल ट्रैकिंग का निरीक्षण कर रहे हैं। दिल्ली से खबर, सीधी तस्वीरें। हेलो हेलो साइकिल ट्रैकिंग का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आगे आगे चलो, आगे चलो भाई, तक कमर दो, तक कमर दो। दिल्ली से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप साइकिल ट्रैकिंग का निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर अरविंद केजरीवाल साइकिल ट्रैकिंग का निरीक्षण कर रहे हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें, चिराग शेख सराय साइकिल ट्रैक का निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साइकिल ट्रैक का खुद निरीक्षण कर रहे हैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल। ये सीधी तस्वीर दिल्ली से, और अब आपको सीधे ले चलते हैं गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज रेडिएशन मशीन की सौगात दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और भी आधुनिक मशीनों की सौगात दी है मुख्यमंत्री ने, और हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री। ये सीधी तस्वीरें आपको हम गोरखपुर से दिखा रहे हैं। आधुनिक मशीनों की सौगात दी है आयुष्मान योजना के तहत, ये सौगात मिली है मुख्यमंत्री ने कहा। आयुष्मान योजना से कई लोगों को लाभ मिला है और लगातार लोग इस योजना से जुड़ रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल की, जहां पर रेडिएशन मशीन का की भी सौगात दी है अस्पताल में। और आप सीधे दिल्ली ले चलते, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। फर्स्ट फेज में हम लोग सुंदर बनाएंगे, रीडिजाइन करेंगे, जैसे यूरोपियन स्टैंडर्ड की सड़कें होती हैं उस किस्म की बनाएंगे। तो उस दिशा में ये पहले लगभग 800 मीटर का स्ट्रेच है, इसको एक तरह से पायलट बेसिस पे हमने करके देखा है। आज अभी हम इसको देखने के लिए आए थे, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसमें जो जो अच्छी चीजें हैं, जो जो कमियां रह गई है उसको ठीक करके अब हम बाकी सारा पूरा 540 किलोमीटर का काम शुरू करेंगे। दिल्ली के 1280 किलोमीटर सड़कें जो हैं वो दिल्ली सरकार के पास हैं, पीडब्ल्यूडी के पास। तो शुरू फर्स्ट फेज में 100 फुट से ऊपर वाली जो सड़कें हैं वो लगभग 540 किलोमीटर हैं, उनको हम फर्स्ट फेज में उनका सौंदर्यकरण करेंगे। काफी अच्छा है और इसमें और भी अच्छाई की गुंजाइश है, उसको भी ठीक करेंगे, इसी तर्ज पे सारे किए। अरविंद जी द्वारका हज हाउस को लेकर तमाम विपक्षी दल के या कुछ, उनके पास कोई काम नहीं है, बस इसी किस्म की बातें करते रहते हैं, उनको करने दीजिए।
सड़क के बारे में बात करते हैं, तो आज सड़क आप लोगों ने देखी, आप लोग भी हमें बताइएगा इसमें जो जो अच्छी बातें हैं वो हमें बताइएगा और जो जो इसमें कमियां वो भी आप हमें बताइएगा। यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि आपको बता दें कि चिराग शेख सराय साइकिल ट्रैक का उन्होंने निरीक्षण किया और कहा कि सौंदीकरण और सड़कों का भी किया जाएगा। हालांकि आज जो सड़क का निरीक्षण उन्होंने किया है, उन्होंने कहा है कि ये बेहतर है लेकिन और बेहतर हो सकती है, इसकी गुंजाइश है। और मीडिया से भी उन्होंने कहा है कि आपने ये सड़क देखी है, अगर आपको कुछ कमियां खामियां नजर आती हैं, अच्छाई नजर आती है तो हमें जरूर बताइए। और अब खबर मंगलौर से है, जहां पर कस्बे में जलभराव की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को 2 हफ्ते के अंदर समस्या का समाधान किए जाने की चेतावनी दी है और समस्या का समाधान न किए जाने पर भारतीय किसान यूनियन द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन पर बैठने की धमकी दी। बाउंड्री बताओगा, चार दीवारी बताओगा तो वहाँ तक ये आप लोग टोली में जल भराव की समस्या बहुत पुरानी है और वहाँ पर एक नॉन रेडियो का तालाब है, क्योंकि नाई वाला तालाब कहलाता है, उस क्षेत्र का पानी उसी में होता है, तो उसमें बड़ी संख्या में वहीं के निवासियों द्वारा भरान करके मकान वकान बना लिए गए, क्योंकि नॉन रेडियो का है सीधे हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो वही महीने में SDM साहब भी आए थे मौके पर। सिर्फ मैला टोली की नहीं है, मंगलौर के सभी तालाबों पर लोगों का कब्जा है, लोगों ने अपने घर बना रखे हैं और हर घर बनाने वाला किसी ना किसी नेता का रिश्तेदार है, जानने वाला है, वोटर है। इस चक्कर में उनको सोर्स लगाकर तालाब खुदाई को रोक दिया जाता है। तहसीलदार के आदेश होने के बाद भी पिछली बार तालाब खुदाई नहीं हो पाई है और हम इसीलिए यहाँ पर आज ये ज्ञापन देने आए हैं EO साहब को। और अगर ऐसा नहीं होता है, ये 15 दिन के अंदर इसका अल्टीमेटम दिया गया है, और ऐसा नहीं होता है तो 15 दिन के बाद में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा, भूख हड़ताल की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क कनेक्टिविटी से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक की, जहां पर उन्होंने लोक निर्माण विभाग को जल सड़कों में गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कार्यों में तेजी के साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की बात कही है। वहीं रोड कनेक्टिविटी नेटवर्क बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग के रोपवे डिवीजन का भी गठन किया जाएगा। एक के बाद एक कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ट्विटर अकाउंट ब्लॉक होने पर बीजेपी सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया गया। कांग्रेस के लगभग 5,000 से अधिक कार्यकर्ताओं के अकाउंट ब्लॉक हो चुके हैं और इन सभी मामलों में राहुल गांधी और हरीश रावत ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। कुछ नहीं, मैंने पिछले दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री जी की बातचीत हुई थी कांग्रेस प्रेसिडेंट से भी और उसके बाद क्या स्थिति है उस पर राहुल जी से चर्चा की, उनको ब्रीफ किया और कोई बात खास नहीं थी। सर, उत्तराखंड की अगर बात की जाए, आपने जिस तरीके से कहा कि बीजेपी के भी कई नेता जो हैं वो आपके संपर्क में हैं, खासतौर पे वो जो वर्तमान मुख्यमंत्री से नाखुश हैं, बीजेपी में बेचैनी है। मैं नहीं कहूँगा कि वर्तमान से नाखुश हैं, बल्कि जिस तरीके से वहाँ स्थितियाँ डेवलप हुई है, मुख्यमंत्री बदले हैं और चीजें हुई हैं, भाजपा के विधायकों को लग रहा है कि उनकी जीतने की संभावनाएं घटी हुई हैं, तो इसलिए उनमें बेचैनी है। सर, जिस तरीके से पार्लियामेंट में लगातार सरहंगामा हुआ और दोनों पक्षों की तरफ से आरोप लगा कि संसद की गरिमा को भंग किया गया है, देखिए संसद चले इसमें जो प्रथम दायित्व है वो सत्तारूढ़ दल का है और ये हम ही ने नहीं कहा है, ये अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, इवन अडवाणी जी, सब ने कहा है। और आपको मालूम होगा 2G और दूसरे मामलों में कितने लंबे लंबे समय तक संसद को इन्होंने नहीं चलने दिया था। पूर्व सीएम के पुत्र वीरेंद्र रावत का आरोप है कि केंद्र सरकार के दबाव में कांग्रेस नेताओं के ट्विटर हैंडल ब्लॉक किए जा रहे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज को दबाकर लोकतंत्र की हत्या करने में लगी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हमारे मुख्यमंत्री जी क्षेत्र में आए थे और उन्होंने कई घोषणाएं की,
लेकिन उनके पास समय ही नहीं है उनको मूर्त रूप से धरती पर उतारने का। ये तो एक सिर्फ चुनावी जुमला है, और जो वर्तमान यहाँ के विधायक हैं उन्होंने वो अपनी जान बचाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बुलाया, और जिस चीज़ का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी कर गए वो उसको बनाने का काम, उसके लिए पैसे देने का काम तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने किया, उनकी की घोषणा थी और उन्होंने उस काम को करने का काम किया, डिग्री कॉलेज बनाने का काम किया और यहाँ उप मंडी देने का काम किया। वर्तमान के जो विधायक हैं, मेरा उनसे सवाल है कि वो बोर्ड तो बहुत बड़े बड़े लगा रहे हैं लेकिन उसमें सड़कों में गड्ढे क्यों हैं? आप ये चाहे गादरावना वाली सड़क देख लीजिए, पहले ये लक्सर से रुड़की वाली सड़क के कितने बुरे हाल थे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का कि उन्होंने दो बार जो यहाँ से झोटा बुग्गी यात्रा निकाली, उसी यात्रा के फलस्वरूप जो है आज हमको एक बढ़िया सड़क देखने को मिल रही है। लेकिन इस सड़क में भी जो है सरकार, जो वर्तमान सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो इतना जो है इनका कमीशनबाजी चल रही है कि बीच में आपने देखा होगा कि पुल में एक जगह से थोड़े टूट सी गई थी, तो जो नई चीज़ बनी है उसमें टूट तो नहीं होनी चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं जो है मिलावट हो रही है काम कार्यों में। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और कार्य जो है वो गुणवत्तापूर्वक होने चाहिए। हरीश रावत जी का ट्विटर ब्लॉक करना लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है। हम विपक्ष में हैं आज, केंद्र में भी और राज्य में भी, और विपक्ष में होने के नाते हमारा सरकार अगर कोई जनता के हित अहित का कार्य कर रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना विपक्ष का धर्म है और हम अपना धर्म निभा रहे हैं। लेकिन केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार नहीं चाहती है कि उनके विपक्ष में कोई भी आवाज़ आए, वो उस आवाज़ को दबा देना चाहते हैं। ये एक लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी घटना है और इससे जो है लोकतंत्र खत्म हो रहा है हमारे देश का। आज जनता को, जनता इस चीज़ को समझ रही है और लोकतंत्र 2022 में लोकतंत्र को बचाने के लिए वो आगे आएगी। जनता और यहाँ के कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि माननीय हरीश रावत जी यहाँ से चुनाव लड़ें, और हरीश रावत जी को तो 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ाना है। अब ये हाईकमान को देखना है कि उनको कहाँ से चुनाव लड़ने का मौका देती है, लेकिन जो यहाँ के जनता की मांग है, कार्यकर्ताओं की मांग है कि माननीय हरीश रावत जी खानपुर से चुनाव लड़ें। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल तो है, देखते रहिए खेल न्यूज इंडिया। नमस्कार।